अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सऊदी के कुछ ज़रूरी और इम्पोर्टेंट अपडेट। सबसे पहले मैं आपको बता दें कि अभी जो पहली अपडेट दी गई है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से और सऊदी पुलिस की तरफ से, उसमें ये कहा गया है कि सऊदी के अंदर अगर कोई भी नियम का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कहा गया है कि अभी नियम के तहत उसके ऊपर मुकदमा भी चलाया जाएगा और आगे अभियोजन पक्ष के लिए भी भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक नया केस देखने को मिला है जहाँ पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। अब इस वीडियो वायरल होने में दिखाया क्या जा रहा है कि चार लोग जो एक तरह से सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करते थे, उन्होंने क्या किया है कि उसमें से एक आदमी को पट्टी बांधकर और उसके बाद उसके ऊपर तेल डालकर और फिर यहाँ पर उसने जो है फोटो, मतलब जो वीडियो है उसको अपलोड किया जलाकर कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो फॉलोअर्स हैं उसको बढ़ाने के लिए इन लोगों ने ऐसा कार्य किया है। तो ऐसे में अगर आप भी कुछ अनैतिक तरीके से, गलत तरीके से वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करते हो सऊदी अरब के अंदर, तो आपके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह से अभी सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है। दोस्तों अगली अपडेट सऊदी के असीर के अल सौदा पार्क से। बताया गया है कि पर्यावरण सुरक्षा ने अभी चार लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग एक तरह से निर्दिष्ट स्थान, मतलब जहाँ पर लोग नहीं जाते थे या मान लीजिए जंगल है, वहाँ पर जाकर इन लोगों ने आग लगाया और इस तरह से आग लगाने वाले के ऊपर सऊदी गवर्नमेंट ने एक जुर्माना भी लगाया है, जहां पर कहा गया है कि अगर आप किसी भी जगह आग लगाते हो तो आपके खिलाफ 3000 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा और यह एक तरह से नियम का उल्लंघन है। दोस्तों अगली अपडेट सऊदी के स्वास्थ्य मंत्रालय के अवर सचिव डॉक्टर अब्दुल्ला अल असीरी की तरफ से कहा गया है कि अभी कोरोना वैक्सीन की तीसरी खुराक प्राप्त करना एक तरह से सही नहीं है, दो खुराक ही पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हो, गंभीर बीमारी से पीड़ित हो, तो आपको दो ही जो खुराक है वो मृत्यु से रोकती है, कुछ इस तरह से अभी सऊदी के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया है। सऊदी की अगली अपडेट हज और उमरा को लेकर है। सऊदी के मंत्रालय ने कहा है कि अभी जो तीर्थयात्री हैं वो क्रामिक तरीके से उनके लिए बहाली की जा रही है और बहाली करने के बाद में 10 मिलियन तीर्थयात्री ने अभी भाग लिया है सऊदी में हज और उमरा करने के लिए। अभी सऊदी के अंदर जो सिस्टम चालू किया गया है उसके तहत लगभग 12000 नए वीज़ा जारी किए गए हैं सऊदी में उमरा करने के लिए। तो अगर आप भी उमरा करना चाहते हो तो आप भी अभी वीज़ा ले सकते हो सऊदी अरब में हज और उमरा करने के लिए, क्योंकि 70000 जो लोग हैं वो डेली के हिसाब से अभी सऊदी के अंदर जो उमरा है वो कर रहे हैं और काफ़ी लोग वहाँ पर मौजूद हैं।